दोस्तों सब्सक्राइब करें शर्मा जी ऑटो डील को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल के ऊपर मिलती रहें। दोस्तों आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं बड़ा दोस्त गाड़ी को, जो कि अशोक लेलैंड की रिसेंटली लॉन्च्ड गाड़ी है। इसमें दो वेरिएंट आते हैं, i4 और i3 वेरिएंट। दोनों की यह टक्कर करवाएंगे, आमने सामने होंगे दोनों दोस्त और जानेंगे दोनों गाड़ी में आपको क्या क्या अंतर देखने को मिलता है। जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों अशोक लेलैंड ने लॉन्च कर दी है अपनी नई गाड़ी बड़ा दोस्त, जिसमें उन्होंने दो वेरिएंट में लॉन्च की है गाड़ी, i4 और i3 वेरिएंट। दोनों ही वेरिएंट दोस्तों आपको BS6 कंप्लेंट में मिल जाएंगे और आज हम टक्कर करवाएंगे दोनों गाड़ियों की। दोस्तों i4 i3 में क्या अंतर है? बड़ा दोस्त i4 में दोस्तों आपको मिलता है 1860 kg का पेलोड और बड़ा दोस्त i3 में आपको मिलता है 1400 kg का पेलोड। तो यहाँ पर दोस्तों अगर हम पेलोड की बात करें तो अगर हम टक्कर करवा रहे हैं दोनों गाड़ियों की तो बड़ा दोस्त i4 यहाँ पर आगे निकल जाता है। बड़ा दोस्त i4 को मिलता है ग्रीन टिक पेलोड के मामले में, क्योंकि दोस्तों पेलोड गाड़ी का ज़्यादा है यहाँ पर बड़ा दोस्त i4 में। वहीं दोस्तों हम जान लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन के बारे में। तो दोनों गाड़ियों में दोस्तों आपको मिलता है 1.5 लीटर 3 सिलेंडर इनलाइन इंजन, जो कि टर्बो चार्ज इंटरकूल्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है। और दोनों गाड़ी में आपको मिलता है डीजल BS6 इंजन। दोनों ही गाड़ी दोस्तों सेम इंजन आपको यहाँ पर मिलता है, इसलिए यहाँ पर दोनों गाड़ियों को मैं दूंगा यहाँ पर ग्रीन टिक। दोनों ही गाड़ियों में आपको बिल्कुल सेम इंजन मिल जाता है। अब हम दोस्तों कंपेयर कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के गियर बॉक्स को। अगर दोस्तों दोनों गाड़ियों के गियर बॉक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको दोनों ही गाड़ियों में 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स मिलता है, जिसमें 5 गियर आगे और 1 आपको रिवर्स मिलता है। इसलिए दोनों गाड़ियों का जो है गियर बॉक्स सेम है, 5 गियर फ्रंट और 1 आपको रिवर्स मिलता है। तो दोनों गाड़ियों पर मैं यहाँ पर दूंगा ग्रीन टिक। दोनों गाड़ियों का गियर बॉक्स जो है वो सेम आपको मिल जाता है, तो कोई भी अंतर यहाँ पर आपको गियर बॉक्स में देखने को नहीं मिलता। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के सस्पेंशन के बारे में। तो कमानी पट्टा कितना मिलता है आपको वो हम जान लेते हैं। दोस्तों बड़ा दोस्त i4 की अगर बात की जाए और i3 की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ी में आपको 3 कमानी पट्टा सामने मिलते हैं और 6 कमानी पट्टा आपको पीछे में मिलते हैं। तो दोनों ही गाड़ियों में दोस्तों आपको कमानी पट्टा सस्पेंशन जो है सेम रखा गया है, तो इनमें दोनों में कोई अंतर देखने को नहीं मिलता, इसलिए मैं दोनों गाड़ियों को दूंगा ग्रीन टिक यहाँ पर। अब दोस्तों डिटेल से जानते हैं दोनों गाड़ियों के वजन और आयाम को कंपेयर कर लेते हैं। बड़ा दोस्त i4 में 3490 kg का ग्रॉस व्हीकल वेट मिलता है, वहीं दोस्तों आपको दोस्त i3 में ग्रॉस व्हीकल वेट 2990 kg का मिलता है। तो यहाँ पे दोस्त i4 आगे निकल जाता है। व्हील बेस दोनों का सेम है। लोड बॉडी डाले की बात की जाए तो दोस्त i4 का डाला यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा आपको मिल जाता है। पेलोड कैपेसिटी की बात की जाए तो 1800 kg का यहाँ पे दोस्त i4 में और 1400 kg का यहाँ पे दोस्त i3 में आपको जो है पेलोड मिलता है। तो यहाँ के पेलोड के मामले में यहाँ पे बड़ा दोस्त i4 आगे निकल जाता है। और अगर दोस्तों डीजल टैंक की बात की जाए तो डीजल टैंक भी यहां पे आपको बड़ा मिलता है दोस्त i4 में और टायर से भी बड़ा मिलता है, तो ग्रीन टिक मिलता है यहां पे आपको बड़ा दोस्त i4 में। अगर दोस्तों दोनों गाड़ी के इंटीरियर की बात की जाए तो कैबिन बिल्कुल सेम मिलता है दोनों ही गाड़ियों में। दोनों गाड़ियों में दोस्तों ARAI सर्टिफाइड 3 सीटर कैबिन मिलता है। ड्राइवर सीट के साथ 2 बंदों का स्पेस मिलता है कंडक्टर साइड के ऊपर। वहीं दोस्तों पावर स्टेयरिंग, AC और म्यूजिक सिस्टम दोनों ही गाड़ियों में आपको मिलता है। तो यहाँ पर दोनों गाड़ियों को मैं देता हूँ ग्रीन टिक, क्योंकि दोनों ही गाड़ियों का जो है आपको कैबिन बिल्कुल सेम मिल जाता है। और माइलेज कौन सी गाड़ी ज़्यादा देगी, क्या बड़ा दोस्त i4 ज़्यादा माइलेज देगा या बड़ा दोस्त i3 ज़्यादा माइलेज देगा, इसके बारे में दोस्तों कुछ भी कहना अभी मुनासिब नहीं है, क्योंकि दोस्तों हाल ही में गाड़ियाँ लॉन्च हुई हैं अभी नहीं, तो इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि गाड़ी मार्केट में काफ़ी कम चली है। इंजन में आपको कोई भी अंतर देखने को नहीं मिलता, दोनों ही गाड़ियों में 1478 cc का इंजन मिलता है, इसलिए मैं दोनों ही गाड़ियों को ग्रीन टिक यहाँ पे दूंगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं वीडियो के एंड में दोनों गाड़ियों के प्राइस में क्या अंतर यहाँ पे निकलेगा। दोनों ही गाड़ियों दोस्तों BS6 कॉम्पोनेंट में आपको मिलती है और कीमत की अगर बात की जाए तो बड़ा दोस्त i3 आपको थोड़ा सस्ता मिल जाता है कंपेयर टू दोस्त i4। यहाँ पे दोस्त i4 की पावर स्टीयरिंग की वेरियंट की जो है कीमत 7,85,000 रखी गई है एक्सशोरूम, और AC वाले की 8,05,000 रखी गई है। वहीं दोस्तों दोस्त i3 की पावर स्टीयरिंग वाले वेरियंट की कीमत जो है 7,75,000 है, और AC वाले वेरिएंट की जो है 7,95,000 रखी गई है एक्सशोरूम प्राइस। दोस्तों प्राइस एक्चुअल जानने के लिए आप अपने नज़दीकी डीलर से जो है जरूर संपर्क करें। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा जी ऑटो डील को। मिलते हैं अगले वीडियो में, देते हैं शर्मा जी ऑटो डील।